गेट क्यों लगा रहे हैं आप? एकता नगर और गादेवी के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। चार एकड़ के ऊपर का हिस्सा, इसके ऊपर फॉरेस्ट का स्टे है। 20 से 25 साल ये लोग टैक्स भर रहे, तो ऐसे कैसे हम खाली करने देंगे? कोई टेंशन मत लीजिए, नगर सेविका सातपुते मैडम, शिवा जगताप और आवाज साहब आपके साथ में है। स्टेशन के ठीक सामने पहाड़ पर बसे एकता नगर में आज जमीन का घेराव करते हुए पत्रा लगाने पर स्थानीय लोग और जमीन का घेराव कर रहे मेक कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड के मैनेजर इमरान से कहासुनी हो गई। दरअसल मेक कंस्ट्रक्शन इंडिया के मैनेजर का कहना है कि कोर्ट के परमिशन के बाद हम अपनी जमीन पर पत्रे लगाकर घेराव कर रहे हैं, मगर स्थानीय लोगों ने इसे रुका दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी आबादी एकता नगर में है और पत्रे लगाकर आने जाने का रास्ता बंद किया जा रहा है। लोगों ने ये भी बताया कि उनसे ये भी कहा गया कि यहाँ गेट बनेगा और वॉचमैन भी बैठेगा। लोगों का कहना है कि 25 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और अब ये लोग उन्हें कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन पे आपका घर बना है। आपको बता दें कि मेक कंस्ट्रक्शन ने नीचे रोड से ही पत्रे लगाते हुए अपनी ज़मीन का घेराव करते हुए पहाड़ पर एकता नगर तक जब पहुँचे और घेराव करने लगे तो लोगों ने इसका विरोध किया और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि मेक कंस्ट्रक्शन के मैनेजर इमरान ने बताया कि हम किसी का घर नहीं तोड़ेंगे, ना ही वहां कोई गेट बनेगा। हालांकि वॉचमैन बैठने की बात जरूर की है, मगर वहीं लोगों का कहना है कि जब गेट नहीं बनेगा तो वॉचमैन क्यों बैठेगा। लोगों में इसी वजह से काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है कि जिस घर का वो टैक्स भरते हैं 25 सालों से, जिस घर में वो रह रहे हैं, क्या अब उनका घर खतरे में है। वहीं मौके पर समाज सेवक प्रवीण और शिवा वहाँ पहुँचे थे और पुलिस ने भी पत्रा लगाने का काम रुका दिया है। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है और समाज सेवक प्रवीण ने भी क्या कहा है, सुनिए। मैं कंपनी के कुछ लोग हैं, वो बोलते कि हमने पूरा खरीदा हुआ है। कोई नए लोग आए, वो बोले हमने पूरा खरीदा हुआ है, यहाँ पर गेट मार रहे हैं। और हम लोग 2000 से यहाँ पर रहते, अभी हमको देखो सामने गेट मार रहा है, हमको उतनी तकलीफ कितनी होगी आने आने की। और वो समझता कि गोर गरीब रहते हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं यहाँ पर, समझे कि नहीं। बोलता कोर्ट का स्टे है हमारे पास, पूरा बाउंड्री मारने का अलर्ट है, तो हम लोग आएंगे कहाँ से, रास्ता नहीं रहेगा तो। और ये आबादी पर आज से आबादी नहीं है, हमें 20-20 साल का टैक्स है हम लोग के पास, 15 साल का टैक्स है हम लोग के पास। एक मस्जिद है, एक मदरसा है, हाँ, मातम समाज, जे भीम समाज, किर्चन है, ऐसे लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। और ये आके बोल रहा है कि ऐसा ऐसा है, 150-200 झोपड़े हमारे यहाँ पर। नहीं होएगा तो ऊपर तक जाएंगे कोर्ट तक, लास्ट में नहीं मानेगा तो फिर ऊपर जाएंगे। गोर गरीब है, उनको तो पूरा पढ़ सकते नहीं हम गरीब आदमी हैं, उसका क्या बिगाड़ सकते हैं हम लोग। नहीं हुआ तो कोर्ट चल जाएंगे, अगर नहीं सुनेगा तो ऊपर तो जाना पड़ेगा हमको। हमने उसको बताया, बोले है कि आप तेरे पेपर जो कोर्ट ने तेरे को ऑर्डर दिया वो इश्यू कर दिया हमारे सामने। उसने अभी पुलिस स्टेशन में पाटिल साहब को बुला के लिया था, कुछ डीबी वाले भी आए थे, तो हमने पाटिल साहब से ये बात की। पाटिल साहब को हमने बोले है कि साहब उनका पेपर देख लो। एक्चुअल में इमरान भाई, इसको 4 एकड़ का ही कोर्ट से ऑर्डर मिला है बाउंड्री मारने के लिए, और ये जो नीचे का हिस्सा है, 4 एकड़ के ऊपर का हिस्सा, इसके ऊपर फॉरेस्ट का स्टे है, और ये अच्छी तरह से हमें मालूम है। या तो वो बोलता है ये रोड से वो रोड टच मेरी ज़मीन है, तो पेपर इशू कर दे हमको दिखाते हुए, बात ही खत्म हो जाएंगे। या तो फिर नहीं ऐसा होता है तो सर्वे करा दे गवर्नमेंट का, तुम्हारी जगह कहाँ से कहाँ तक है वो बता दे हमारे को। ये गेट मारने के ऊपर जो हुआ, अच्छा वो बोलता है यहाँ पे मैं गेट मार दूंगा, गेट मार के बोलता है इधर भी कैबिन बनाऊंगा, कैबिन मार के इधर पे वॉचमैन रखेगा। 2 बजे रात में आपका भी घर इधर पे, आप 2 बजे रात को एक्टिवा लेके आएंगे गाड़ी, तो उसको उठाएंगे क्या? या किसी का घर बनेगा तो किसी का माल मटर अंदर आने देंगे क्या? या कोई मर गया तो किसी को अंदर लेके जाने देंगे क्या? जब तक वो चाबी लेके नहीं आएगा, जब तक वो कुछ होएगा नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हो, गेट बनने देंगे या नहीं बनने? नहीं, हम लोग गेट बनने भी नहीं देंगे, हमने मारने भी नहीं देंगे, हम गेट बनने भी नहीं देंगे। गेट क्यों लगा रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे देर रात, आधी रात, फिर अपना रात भर आना जाना चालू होता पब्लिक का, तो वो लोग आएंगे जाएंगे कैसे? और हर बार थोड़ी हम वॉचमैन को जाके बोलेंगे ये है गेट खोलो, वो है गेट खोलो, कुछ नहीं हुआ है। तो अभी अगर मैं कंपनी की अगर ये प्रॉपर्टी है, वो दावा करता है कि मेरा ये है जगह, तो अब तक का बोर्ड क्यों नहीं लगाया यहाँ पर? कम अज कम जिसकी प्रॉपर्टी रहती है उसके नाम का एक बोर्ड लगना चाहिए था कि यहाँ पर कोई कब्जा नहीं करे। अब इतनी बस्ती बसने के बाद अब आके बोलेंगे कि ये हमारी जगह है। आज हम लोग कितने साल से इधर टैक्स भर रहे, कितने साल से भर रहे टैक्स? आज हम लोग का हो गया 15-20 साल हो गया है। कितने अभी हालात ऐसे है, वक्त बे वक्त किसका क्या होता, गेट लगा देगा तो इंसान आएगा जाएगा कैसा, आप बोलो। अभी कब से देख रहे हैं? 20-25 साल से यहाँ पे जो आबादी रह रही है। अभी हमको फोन आया था यहाँ के समाज सेवक चांद भाई और मोहम्मद भाई,
उन्होंने हमको फोन करके बताया कि यहाँ पे कोई लोग है जो पत्रा मार रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी सातवारी की जगह है, ये है वो है। तो हम लोग अभी शिवा जगताप और हम आए हैं नगर सेविका सातपुते मैडम और आवार साहब के माध्यम से हम लोग दोनों यहाँ पे आए हुए हैं। अब हम यहाँ पे आवार साहब के माध्यम से और नगर सेविका सातपुते मैडम के माध्यम से हम लोगों को यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आप डरिए मत, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि अटलांटा का जब ये रोड का काम चल रहा था, जब भी विस्थापित लोगों को यहाँ पे घर दिया हुआ है, 20-25 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और सभी लोग अपना घर का टैक्स भी भर रहे हैं टीएमसी को, तो हम ऐसे कैसे उनको खाली करने दे सकते हैं। तो अवर साहब के माध्यम से, नगर सेविका सातपुते मैडम के माध्यम से और समाज सेवक शिवा जगताप के माध्यम से इन लोगों के साथ में हम कायदे की से लड़ेंगे और पूरी ताकत से हम इन लोगों के साथ में हैं। एकता नगर और गादेव के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम बकायदा इस मामले में कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से न्याय लेके ही आएंगे और इस केस के लिए जो भी खर्चा होगा वो नगर सेविका सातपुते मैडम और शिवा जगताप के माध्यम से किया जाएगा और लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके तहत हम लोगों पे अन्याय नहीं होने देंगे, अन्याय का मुकाबला कोर्ट के माध्यम से जरूर करेंगे। देखिए आरिफ भाई, सलामुद्दीन भाई, यहाँ पे जो लोग बसे हैं उनको अटलांटा ने यहाँ पे जगह दिया हुआ है। बहुत से लोगों के पास अटलांटा का पेपर भी है, कुछ लोगों ने सातवारे की जगह किसी से खरीदा है, उनके भी पास पेपर है। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के सभी घरों को टीएमसी का टैक्स है, 20 से 25 साल ये लोग टैक्स भर रहे हैं, तो ऐसे कैसे हम खाली करने देंगे? कोई भी आ जाए हम इनको खाली करने नहीं देंगे और एकजुट होकर हम कानूनी कार्रवाई उन पर करेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और इसका जो भी खर्चा है आप कोई टेंशन मत लीजिए, नगर सेविका सातपुते मैडम, शिवा जगताप और आवाज साहब आपके साथ में है और उसका सब खर्चा ये लोग करेंगे और आपका घर कोई नहीं तोड़ेगा, ये मैं उनकी तरफ से आपको आश्वासित करता हूँ। आप आपके दिमाग से डर हटा दीजिए, कुछ भी मुसीबत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, समाज सेवक शिवा जगताप, मैं प्रवीण पवार, सातपुते मैडम, आवाज साहब आपके साथ में एकजुट होकर खड़े हैं। आप ये मत समझे कि आप अकेले हो, हम लोग सब आपके साथ हैं और बाबा साहब का संविधान हमको न्याय जरूर मिलाएगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।